शिवराज सरकार द्वारा महिलाओं के शराब बिकवाने के विरोध में लाल घाटी स्थित शराब की दुकान पर आने वाले ग्राहकों को दूध बांटकर विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग की महिला पुलिसकर्मियों से शराब बिकवाने का काम सरकार कर रही है वो गलत है। कोरोना महामारी में लोगों के स्वास्थ्य के साथ शिवराज सरकार द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। इस महामारी में लोगों को दूध पीने की ज़रूरत है और मध्य प्रदेश की सरकार शराब पिला रही। हमारी कांग्रेस की सरकार होती तो गरीबों के खाते में सीधे 15,000 रुपये डालते। ये भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। ये सरकार कोरोना के समय सरकार गिराने और बनाने में लगे रहे, सबको मालूम है। आरिफ मसूद ने कहा है कि हम जल्द ही एक बड़ा आंदोलन लॉकडाउन खुलने के बाद करेंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ले लो भैया, तब एक एक भैया। अरे यार भैया, बंद करो भाइयों से शराब बिकवाना, बंद करो, बंद करो, बंद करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिवराज सिंह चौहान शर्म करो, शर्म करो, शर्म। शिवराज सिंह चौहान शर्म करो, शर्म करो, शर्म। शराब की दुकानें बंद करो। सत्ता में मदमस्त हैं। पहले कोरोना की बैठक में ठाके, हाँ कोरोना वालों का मजाक, इस महामारी का मजाक, और उसके बाद अब हद हो गई कि भांजियों से, जिनको वो लड़कियां और भांजियां कहते हैं, हमारी माँ बहनों से आज वो शराब बिकवा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं होगी। इसकी मैं और मेरे तमाम साथी और भोपालवासी निंदा करते हैं, और इसीलिए आज हमने यहाँ शराब की दुकान पर दूध बांट के कि जब सरकार का मुखिया मानने को तैयार नहीं है तो हम जनता को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप शराब मत लो, हम आपको दूध दे रहे हैं, ये बच्चों को ज़रूरत है, आप ये लेकर जाओ। सर, कब तक चलेगा इस तरह से आपका? नहीं, हमारा तो सांकेतिक आंदोलन है। हमारा काम है कि हम इस आंदोलन को बनाए रखें ताकि लोगों को अवेयरनेस करें और सरकार को जगाते रहें। ये हमारा प्रयास है, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि शराब की दुकानें बंद नहीं होती तो कोई बड़ा आंदोलन की आपने? अगर लॉकडाउन की अवधि नहीं होती तो निश्चित रूप से भोपाल में आज बहुत बड़ा आंदोलन होता, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना है और बड़े अगर मूवमेंट करते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा जनता, आम जनता, यहाँ भी आप देख रहे हैं कई लोग चलते राहगीर रुक गए, तो ऐसे हर जगह लोग रुक जाते हैं, इसलिए अभी कोई आंदोलन ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा, क्योंकि जो कोरोना में विफलता जो करो, और हम आपसे आपके बीच ये कहना चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी अगर कमलनाथ की सरकार होती तो दुनिया के लोग, दुनिया की आप बात करते हो, दुनिया को देखो, दुनिया के छोटे छोटे देशों ने अपने अपने प्रत्येक नागरिक को नगद राशि दी है, आपके पास कोई तैयारी नहीं थी। अगर हमारी कमलनाथ सरकार होती तो प्रत्येक नागरिक को हम 15,000 देते। उनका तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दोष है कि कमलनाथ सरकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।